是山大的带着地，爬完的里面的了解不了，हम आप इस समय पर उन्हें क्या दे सकते हैं? अपने भावों की अंजलि ही हम उनको समर्पित कर सकते हैं। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, सब वस्तु यहीं तक है। जो भी वस्तु है वो आपकी हमारी यही तक है। श्रेष्ठता ये है कि कौन कितने जिया, कितने साल जिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम आप सब अपने जीवन की गारंटी ले सकते हैं? बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी फेल हो जाएंगे, पक्का नहीं बता सकते। यहां आकर के सबकी इतिश्री हो जाती है। मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं कि कोई गारंटी में लिखित पत्र लिख दे कि आप इतना साल जीने वाले हैं। पहले रहे होंगे, अब तो मुझे नहीं दिखता, और होंगे भी तो पता नहीं। मेरे भैया, इसलिए मां का ऋण कोई उतार नहीं सकता। इसलिए कोई भी बालक, और मैं तो भैया कह ठीक है, मन में असंतुष्टि तो सबकी रहती है, और जीवित रहते तो बहुत अच्छा था। पर मैं कहता हूं भैया, पुत्रों के सामने श्री किरण गर्ग जी, बेटी हमारे सुनील गर्ग जी, श्री शैल जैन जी, बेटी परवीन जैन जी, हमारे बाल गोपाल, पोत्रा पोत्री निखिल, मेहक मानुषी एवं दोत्रे आदि अभिषेक, अंबिका, तान्या, नमित, ये आज आदि उनके विचार के रूप में ही तो हैं। हम यदि सही अपनी दृष्टि में यदि देखें तो व्यक्ति के जीवन में ये उनके बच्चे ही तो उनके विचार के रूप में उनकी प्रस्तुति आगे के जीवन में करेंगे। और भैया, पर जब माँ पिता बच्चों को पैदा करते हैं, जब श्राद्ध के रूप में, कर्म के रूप में जब उनका कार्य न हो तो उनको कितना दुख होता है। और बुरा नहीं मानना, निकुंजवासी मेरे भैया, हम भी अपनी माँ के को भावांजलि यहाँ प्रस्तुत करने के लिए वृंदावन से पधारे, उनको भावांजलि प्रस्तुत करें, और राजीव जी इनके परिवार को वो सामर्थ्य दे इस दुख की घड़ी में, और भगवान की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ वाणी विराम दें। ओम शांति शांति शांति। भाइयों बहनों, बहुत सुंदर दृश्य आपने आज हम भावांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूज्य माता जी को, श्रीमती शांता गुप्ता जी को। आचार्य जी ने माँ के भाव व्यक्त किए हैं। माँ तो एक ऐसी परमात्मा ने देन दी है इंसान को, जिसका कोई स्थानीय नहीं है, जिसका कोई पैरेलल किसी तरह का नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस,
जो सबसे ऊपर सेवा का यूनिवर्सल मिशन एग्जाम लेती है, वहां पे एक प्रश्न किया गया एक कैंडिडेट से, उस आपके साथ रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है यहाँ आने के लिए। परिवार के लिए बहुत ये दुख की घड़ी है, लेकिन आने से आपकी संवेदना प्रकट करने से ये दुख कम हो जाता है। परिवार की तरफ से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सबसे एक प्रार्थना है कि आपके लिए प्रसाद रूपी खाना तैयार है, वो आप ग्रहण करते जाएं। ये परिवार की तरफ से विशेष अनुरोध है। शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। उनके साथ बिताया गया हर पल मेरी यादों में बसा है, और उनकी लाठी होने की वजह से मैंने दुनिया को अलग नजरिए से देखना सीखा। बिल्कुल उस मीठे की तरह जिसका उनको बहुत शौक था, बड़ी मामा की बातें भी मीठी थी। मुझे याद है कि उन्हें टीवी का कितना शौक था, पर मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी हैं खुश हैं, और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। मुझे यकीन है ये कि यहाँ पर आया हर एक इंसान की जिंदगी को बड़ी मम्मा ने किसी ना किसी रूप में छुआ होगा। अंत में मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर रूप में हर जन्म में ऐसी ही बड़ी मम्मा दे। मैं उनकी छोटी पुत्री अपने समस्त परिवार की तरफ से यहाँ पर आए हर एक इंसान को हमारी उस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देव भगवान की जय, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण असरल, जो जावे भल स्वामी नमयंदर आमी, परम परमेश्वर परम जगदीश्वर आप सबके स्वामी हो, तुम करुणा के सागर तुम पालन कर, हरिनाम सदा संकीर्तन का नजारो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, शांतर नमामि रामं भगवन् सनातनम्।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं शांतं कमलनयनं युगदिव्यानन्दं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकेतरं पातिजातं नमामि कर्पूरगौरं गरुडावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कालिओ देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते बलिगुरुदेव भगवान् की जय बलि विष्णु भगवान् की जय। अपने जिह्वा को पवित्र करने के लिए राम नाम का स्मरण कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय जन्म के समय में भी जेब नहीं,
और वही प्राणी जब अंत समय में पृथ्वी से चलायमान होता है, जो उसके ऊपर अंत का कपड़ा डाला जाता है, जिसको हम कफन कहते हैं, ये उसके भी नहीं होती। तो क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जो कुछ हमने लिया वो इसी पृथ्वी पे लिया, इसी धरातल पे लिया, और इसी धरातल पे छोड़ करके चलायमान होना है। कहने को तो हम बहुत कुछ कहते हैं, अवश्य होगा, क्योंकि बड़े विश्वासों को कोई गदा नहीं सकता और घटे विश्वासों को कोई बड़ा। तो कहते हैं ना, तो इतना देकर बले ना दीवा, इतना देकर रोज दिवाली, इतना देकर लखा रुलदा, इतना देकर और कंगाली, इतना दे सत मजली कोठी मैली चढ़ी चुबारे, इतना दे जठी खुली बिच बाछड़ छाला मारे, इतना दे थले मोटर कारा नाले घुड़सवारी, इतना नू रिक्शा मिली ओ भी खिचड़ भारी, इतना दे सत सत पुत्र सत पुतिये अखलांदे, इकना देकर तीन जन्म दी बिलख बिलख मर जाने। ऐयो समझावे जेड़ा किस्मत जी लिखिया ओयो फल आवे, क्योंकि हमारे भाग्य में पहले ही लिखा हुआ है कि कब हमने इस धरातल पे चलाया। वहां से तिनके तोड़ करके घर लौट आते हैं, प्राणी जाता केवल अकेला ही है, अकेला ही धरातल पे आता है और अकेला ही चलायमान हो जाता है। तभी तो किसी कवि ने लिखा है ना, प्रकार हमारा जीवन भी इसी तरह से है, जैसे ही परमात्मा ने जितने श्वास दिए हैं लेकर के हमने चलायमान होना है, हमने भी बुझ जाना है। तो किसी कवि ने क्या लिखा है, दीवे दिलो वांगो जिंदगी दा खेल रे, बुझ जाना दीवा जे तो मुक्त जाना तेरी दा खेल रे, बुझ जाना दीवा जे तो मुक्त जाना तेल रे, मुक्त जाना तेल रे, मार उडारिया फिर उड़िया नी जावना, मुक्त जाना तेल वे, मुक्त जाना तेल वे, दस केड़ी गल दा गुआन करे हानिया, दस केड़ी गल दा गुआन करे हानिया, सुक जाने पत्ते छद दिंदिया ने तैनिया, ओला फुट सुटे जड़ों वेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, दीवे दी लो वांगो जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे, मुक जाना तेल वे, अमन मुसाफरी चे बड़ा ओखर रहेगा, अमन मुसाफरी से बड़ा ओखर रहेगा, नाम वाली गड्डी बह जाऊं जिंदगी दा खेल वे, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल वे। बोली गुरुदेव भगवान की, 100 वर्ष का है लेकिन 100 वर्ष का जीवन हमारा ऐसे ही निष्फल हो जाता है। क्यों? क्योंकि खान पान और चार विचार अगर हमारे सही हैं तो कम से कम 100 वर्ष की आयु भोगी जा सकती है, लेकिन उस परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु कम से कम हमें दे के भेज दिया, हमारे किस काम की?
ऐसे ही निष्फल हो जाती है। कहते हैं ना, आना है वो तो समझ लो कि हमने जब छोड़ के चलायमान होना है तो औरों का ही है। इसलिए कहते हैं ना कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, और पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र कपुत्र है तो धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जोड़ना है और उसने लुटा देना है। और पुत्र सपूत तो क्या धन संचय, अगर पुत्र सपुत्र है तो भी धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा साथी है। कहते हैं ना, जब तक पूछते हैं आप कैसे हो, जब तक आपकी जेब में पैसे हो। क्योंकि हर किसी का हर किसी में स्वार्थ छुपा होता है, मतलब छुपा है। हम कहें कि हम जाने वाले प्राणी को रोते हैं, कदापि नहीं रोया जाता। हम उसके सुखों को याद करके रोते हैं कि आज वो हमारे बीच में होता तो हमारे फलाने काम आ जाता। और मैं तो यहां तक कह देता हूं कि हमारे जाने के बाद हमारे घर वाले जो है ना, वो हमारा बस्तर भी रखने को तैयार नहीं होंगे। जो हमने यहाँ पुराना छोड़ के जाना है उसको भी किसी न किसी को दे देंगे, दान दे देंगे। तो प्राणी के साथ जाता क्या है, मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूँ कि किया हुआ पुण्य और किया हुआ पाप ही प्राणी के साथ जाता है। उस समय के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आदरणीय श्री पंडित जी हमारे बीच में विराजमान है तो संध्या के पुष्प अर्पित करेंगे, संध्या के पुष्प अर्पित करेंगे। श्रद्धा के पुष्प क्या होते हैं कि चेतन आत्मा हमें गति प्रदान कर सकता है, तो ये होती है श्रद्धांजलि। एक होती है जलांजलि, प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होया जाता है और हाथों की अंजलियों में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्पण किया जाता है। हम कहें कि किया हुआ जल जो है वो सूर्य भगवान के पास में पहुंचता है, कदापि नहीं। लेकिन सूर्य भगवान को जल देने से हमारे ऊपर जो रोगों ने आकर के जो डेरा डालना है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि साक्षात नारायण है। नारायण के दर्शन करने से कुछ रोगों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और एक होती है तिलांजलि, जो श्राद्ध पक्ष का महीना आता है जिसको हम आश्वज का महीना कहते हैं, हाथों की अंगुलियों में तिल ले लिए जाते हैं, जो ले लिए जाते हैं और तस्मी स्वधा कहकर के पितरों को अर्पण किया जाता है। तो कहते हैं कि जितने तिल और जो हमारी अंजलियों के भीतर होते हैं उतने ही वर्षों तक हमारे श्री शांता गुप्ता जी की भावांजलि में विराजे हुए हैं। हम आप इस समय पर उन्हें क्या दे सकते हैं,
अपने भावों की अंजलि ही उनको समर्पित कर सकते हैं। रुपया, पैसा, गाड़ी, घोड़ा, सब वस्तु यहीं तक है। जो भी वस्तु है वो आपकी हमारी यहीं तक है। श्रेष्ठता ये है कि कौन कितने जिया, कितने साल जिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम आप सब अपने जीवन की गारंटी ले सकते हैं? बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी भी फेल हो जाएंगे, बड़े बड़े धर्म ग्रंथ भी फेल हो जाएंगे, पक्का नहीं बता सकते। यहां आकर के सबकी इतिश्री हो जाती है। मुझे तो ऐसा कोई दिखता नहीं कि कोई गारंटी में लिखित पत्र लिख दे कि आप इतना साल जीने वाले हैं। पहले रहे होंगे, अब तो मुझे नहीं दिखता, और होंगे भी तो बता नहीं, मुझे तो मिला नहीं। पर महत्वपूर्ण यह है कि कौन कितने साल जिया। आप सब इसको अपने अंतिम समय पर रखना। आप ये नहीं सोचना, यही तो हमको असली ज्ञान कराता है। हमको जो अपना ज्ञान करना है यहीं से तो करना है। कौन कितने साल जिया भैया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई कैसे जिया, ये महत्वपूर्ण है। आप हम सब अपने जीवन में किस प्रकार से जी रहे हैं और कैसे जिएंगे, ये महत्वपूर्ण है। तो हम आप श्रद्धांजलि नहीं देनी है, हमें भावांजलि देनी है। आप बढ़िया व्यवस्था बना सकते हैं पैसे से, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले पर आप सही मायने में यदि उनको कुछ जाएगा तो वो आपकी भावांजलि है, आपका भाव है, और वो सीधे डोर मान देगा वहां तक। तो हमारी मां किस प्रकार जी, ये तो खैर उनके बच्चे जानते हैं। और मैं सच कहता हूं भैया, मां का ऋण कोई जीवन में उतार नहीं सकता। यदि संसार का कोई बच्चा ये कहे कि मैं अपनी मां का ऋण उतार सकता हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। अपनी मां का ऋण कौन उतार सकता है विचार करके? मेरी दृष्टि में तो मां का ऋण कोई उतार नहीं सकता। स्वयं भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, यदि मैं अपने खाल की पादुका बनाकर मां यशोदा के चरण में पहना दूं तो भी मैं मां का ऋण नहीं उतार सकता। तो भैया, हम तो अपनी माओं को, अपने बड़ों को भाव ही दे सकते हैं। ध्रुव जैसे भक्त भी अंतिम जाने लगे तो अपनी मां के लिए रोने लगे। प्रहरियों ने पूछा, क्यों रोते हो? बोले, मैं सबको पार लगाया पर मेरी मां को पार नहीं लगा पाया। तो भगवान ने मां की मुक्ति पहले कर दी थी। और ये बात मैं समझता ऐसा हूं, हमारे यहां पर ब्रज में स्वर्गवासी नहीं कहते, आप लोगों के यहां जो भी कहते हो, पर हमारे ब्रज में कोई जाता है तो उसे स्वर्गवासी नहीं कहते।
प्रेम लग गए। जिस प्रकार से फिर वह हमारे पास में आशीर्वाद के रूप में वो हमें प्रदान करते हैं, जो चली जा रही है, जिस प्रकार से हमारा जीवन किस प्रकार है, हमारा जीवन समुद्र की तरह है। यदि संसार की दृष्टि देखी जाए तो समुद्र की संज्ञा दी गई है संसार। सागर देखने में बहुत सुंदर है, ऐसे ही संसार भी देखने में बहुत सुंदर है, पर ऐसे ही संसार हम लोग भोग भोगते बड़ा आनंद आता है, पर जब अंतिम मृत्यु होती है तो खारापन भी लगता है। संसार में, समुद्र में हमने सामने दिखाई देता है जन्म, लोगों को जन्म दिखता है, परंतु इसलिए जन्म भी है तो अंतिम मृत्यु भी है। मृत्यु बतान छह वस्तुएं किसी को नहीं देते, चाहे कोई कितना बड़ा क्यों ना हो जाए। छह वस्तु परमात्मा किसी को प्रदान नहीं करते, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि लाभ, तो कौन कितने वर्ष जिया ये आप नहीं सोचना। हमारी मां, मैं तो सच कहता हूं आज भी मुझे उनकी झांकी दिखाई पड़ रही है। यही तो हमारे जीवन में उनकी स्मृतियों को याद दिलाता है। मेरे भैया, यही अच्छाई हमारे जीवन में काम देती है, पर बुरा नहीं मानना, हम लोगों को स्मरण केवल यही तक रहता है, फिर धीरे धीरे अपने आप को भी हम भूल जाते हैं। पर यहीं से हमें अंतिम तक की यात्रा पहुंचनी है और करनी है, हमें अंतिम तक ये सोच करके रखना है उनको जीवंत किस प्रकार किया जाए। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम रहति पावकम्, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मान। वह तो आपके हमारे भीतर के विचार, उसके विचार किस प्रकार से हमारे जीवन में वो दिखाई पड़ते हो। गुप्ता जी उनकी धर्मपत्नी श्री किरण गर्ग जी बेटी, हमारे सुनील गर्ग जी, श्री शैल जैन जी बेटी, परवीन जैन जी हमारे बाल गोपाल, पोत्रा पोत्री निखिल, मेहक मानुषी एवं दोत्रे आदि अभिषेक, अंबिका, तान्या, नमित, ये आज आदि उनके विचार के रूप में ही तो हैं। हम यदि सही अपनी दृष्टि में यदि देखें तो व्यक्ति के जीवन में ये उनके बच्चे ही तो उनके विचार के रूप में उनकी प्रस्तुति आगे के जीवन में करेंगे। और भैया, पर जब माँ पिता बच्चों को पैदा करते हैं, जब श्राद्ध के रूप में, कर्म के रूप में जब उनका कार्य न हो तो उनको कितना दुख होता है। और बुरा नहीं मानना, परंतु जब उनकी विदा की बात आती है, ये अंतिम विदाई है, ये आज की जो विदाई है उनके विचारों में तो आपके जीवन में जीवित कोई जाए तो बुरा तो लगते ही है, इतने वर्षों से हमारे बीच में रहा,
दुख भी होता है, पर सच्ची उनकी हमारी, उनकी सच्ची जगह कहां है? उनकी सच्ची जगह तो ठाकुर जी के पास है, भगवान के पास है। और सत्य मानना, चाहे प्रत्यक्ष रूप में संदेह, पांच तत्व से ही शरीर बनता है और पांच तत्व में ही चला जाता है। आप शरीर की बात करेंगे तो शरीर हमारा है ही नहीं। अब कोई कह दे कि नहीं मेरा शरीर है, भले ही आप कितना भी कहें, पर वह अवस्था अपने में चली गई। दात्यता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर नश्यते वर्धते बधिरता वक्त्रम चलालायते पत्नीन सुश्रूयते हाकष्टं जरया विभूत पुरुषम पुत्रोपमित्रायते। गात्रम, आप अपने शरीर को कितना भी सुंदर क्यों ना रखें, परंतु वो धीरे धीरे संकुचित होना ही है। गुरु नानक देव जी तो कहते हैं, जग में कोई न मीत देखो, गुरु नानक देव जी ने इस संसार को त्यागने ऊपर जितना उपदेश अपनी वाणियों में दिया, क्या कहूंगे आपसे। भगवान की कृपा से मैंने लगभग सभी तो नहीं कह सकता, पर बहुत से ग्रंथ देखे हैं। पर संसार के त्यागने ऊपर गुरु नानक देव जी ने इतना उपदेश किया है, व्यक्ति चाहे तो जीवन रहते ही वैराग्य हो जाए। सुख सो ही सब सुख सो लागे, सुख है तो आपके पीछे लगे हैं, और सुख छूट जाए तो एक मिनट नहीं लगती छोड़ने में। इसी बात को श्री कपिल भगवान भागवत जी में कहते हैं, मां मां बेटा को ज्ञान दे, उसे आवश्यकता नहीं है। अब ये तो रचना ज्यादा बताएगी कि उनके घर में मां, पर मां का स्वभाव कैसा है। मैं तो जब जब उनसे मिलता तब तब उनके भाव, उनका प्रेम जब हम लोगों से इतना था तो इतना तो कहना ही क्या है। देखो भैया, जिसके भीतर प्रेम होता है वही प्रेम दे भी सकता है। जिसके भीतर प्रेम, बच्चे देखते हैं वैसा ही तो व्यवहार आगे प्रस्तुत करते हैं, आप विचार करिए। इसलिए मैं कहूं, हर घर में हर मां, हर अपने बालक जो हो उनसे व्यवहार हमारी मां शांता जैसा भी करे, तो आपका जीवन भी ऐसा मंगलमय हो जाए जो विचारों के रूप में वो मां हमारे सामने इन बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। शरीर ही तो नहीं है, पर जब देखो, मैं तो जब देखता था तब मुस्कुरा, शरीर में भी कष्ट रहता था तो मुस्कुराहट रहती थी, सदैव उनके ऊपर बनी रहे। मेरे भैया, इसलिए मां का ऋण कोई उतार नहीं सकता। इसलिए कोई भी बालक, और मैं तो भैया कह ठीक है, मन में असंतुष्टि तो सबकी रहती है, और जीवित रहते तो बहुत अच्छा था, पर मैं कहता हूं भैया, पुत्रों के सामने ही करे, इससे ज्यादा और प्रसन्नता जीवन में उसको क्या हो। आज उनकी विदाई का दिन है, आप क्या करें, दान दें, ये करें, वो करें, ठीक है, संसार के लिए बहुत उत्तम है, उनके साथ जाएगा उपरांत होगा वो बात की बात है,
पर यहाँ आप हम सब उनको भावांजलि के रूप में उनको दें, अपने भाव अपना प्रेम। और प्रेम है तभी तो आप लोग इतने लोग आए हो, प्रेम नहीं होता तो आप लोग सब काहे को आते हैं। प्रेम है तभी तो अपनी भावांजलि हम आप लोग सब यहां प्रस्तुत करने आए हैं। आप लुधियाना से आए, मैं तो वृंदावन से आए। आज का प्रोग्राम था, पर मैं समझता हूं राजीव जी ने कहा वो बात दूसरी है, पर मैं समझता हूं कि मां ने ही मुझको खींच के बुलाया, क्योंकि अच्छी आत्माएं अपनी ओर आकर्षित भी तो करती हैं, अच्छी आत्माएं हमें अपनी ओर खींचती भी तो हैं। आप हजार तरह की पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, पर यदि आपकी आत्मा मेली है, आपका मन मेला है, तो भैया कोई लाभ नहीं। और आप चाहे एक भी माला ना करें, पर आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, तो उस ऊर्जा को खींचने के लिए बहुत बहुत लोग चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं हमारी मां सांथक जी की उनकी एक ऊर्जा। और भैया अच्छे की यहां भी आवश्यकता है, तो अच्छे की वहां भी आवश्यकता। सही मायने में शास्त्र की दृष्टि से हम आप लोग देखें तो भगवान अच्छी आत्मा कौन किनको भेजते हैं, बोले जो अपने पार्षद हैं, जो अपने हैं उनको ही तो भेजते हैं। आचरणों को, उनकी कृतज्ञता को, उनके भाव को हमें अपने जीवन में उतारना है। कह रहे थे, सुन रहा था, कुपुत्र हो जाए तो वचनति न माता भवत, बेटा चाहे कुपुत्र हो जाए पर मां, मां भी माता होना बहुत कठिन है। और मैं कहता हूं भैया आपकी मां के व्यवहार का तो कहना क्या, पर मैं भी अपनी मां को अभी भी देखता हूं। स्वयं इतनी बीमार रहती है, पर बुखार भी यदि हम लोगों को खांसी भी हो जाए तो हमने कान से सुना है, भगवान से प्रार्थना करती है कि बच्चे का रोग मुझको मिल जाए। आप विचार करिए मां की बात को आप क्या कह सकते हैं। और मैं कहूं भैया ये शब्द ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है। मां आजकल तो मां शब्द कहलाना भी लोग पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग उतारने लगे हैं, पर मैं कहूं भैया ये मां शब्द ही इतना अपने आप में लक्षण है। विचार करिए कि जन्म के साथ में भी जिसका सुख अपना नहीं रहता, अब सब लोग गौर करिएगा जिन जिन की माएं हैं या जा चुकी है, बच्चे का जन्म तो हो जाता है, बच्चा यदि सर्दी है बुखार हो जाए, हर मां के साथ में घटना होती है, हर मां के साथ। यदि बच्चे को बुखार हो जाए और डॉक्टर पर दवा लेने जाओ तो दवा तो दे दे, पर मां को परहेज कराए जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा दूध पीता है इसलिए दही नहीं खाना, ठंडी चीज नहीं खाना। डॉक्टर देती है, विचार करिए पशुओं तक में आप देख लीजिए वात्सल्य, गाय और गाय जैसा वात्सल्य तो यदि मां के रूप में यदि किसी का उदाहरण दिया जाए तो गाय जैसा वात्सल्य किसी में नहीं होता। यदि मां की बात करी जाए, गौ को मल अच्छा लगता है नहीं,
गाय को मल अच्छा नहीं लगता, वो अपनी उसमें बात्सल्य प्रेम इतना ज्यादा होता है कि बच्चे को चाट चाट करके सुंदर कर देती है। और भैया उसी बात्सल्य का अंश हमारी माओ में दिखता है, हमारी बहन बेटियों में दिखता है, हमारी श्री शांता जी में दिखता है। वही तो बात्सल्य है जो उनके भीतर, और हम उसी स्मृति के कारण विराजी हुए हैं। मेरे भैया तो सच्चा पुत्र वह है, मैं कहूं अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चा पुत्र सारे सुख दे वो तो श्रेष्ठ है ही, पर उनके मरणोपरांत भी अच्छी विदाई करे, अच्छी उनके लिए जिससे लोग भी उनकी स्मृतियों को याद करें, उनकी स्मृतियों को अपने में सहज कर रखें, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतार करके रखें, यही तो जीवन में उनकी अच्छाई है। इसलिए मेरे प्यारे हम आज उनको भावांजलि के रूप में देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। केवल यह भावांजलि में शब्द का इसलिए नहीं देंगे तो हम यहीं तक रहेंगे, यहां पर आप वस्त्र कपड़े सब वस्तु दे तो यहीं संसार के पालक तक रहेंगे। हमारे हृदय से उनके लिए भावांजलि प्रस्तुत हो, मरणोपरांत में हमें अपने हृदय के द्वारा उनको आभार व्यक्त करना है कि आपने हमारे ऊपर में जो कृपा की है, और ये दोहरा ही तो सच्चा नाता है, जो जीव का उनसे सच्चा नाता लगता है, जीव का सच्चा नाता उनसे जुड़ता है। सहमत हो सकते हैं चाहे किसी धर्म का हो कि ये जीव आत्मा और ईश्वर इसका ही सच्चा नाता है, उसके नाम चाहे अनेक अलग अलग हो सकते हैं, चाहे हम कृष्ण कहें, चाहे राम कहें, चाहे गुरु नानक देव कहें, चाहे ईशा कहें, चाहे अल्लाह कहें, चाहे अलग अलग रूप में उसको हम प्रस्तुतिकरण कर देते हैं, पर भैया इस बात में सारे धर्म के लोग एक पथ होंगे कि ये जीव और आत्मा, ये ईश्वर और आत्मा, बस ये दो सत्य है। इसलिए प्यारे हम उनकी अपनी भीतर उनकी विचारों की स्मृति कभी ना मरने दें। रामायण जी में 14 प्रकार के लोग मरे माने जाते हैं, आप ये ना समझे वो मर गए, शरीर गया कोई बात नहीं, पर रामायण जी में 14 प्रकार के लोग मरे हुए माने जाते हैं, जीवित जो 14 मर गए। अब उतना समय नहीं कि मैं आपको एक एक गिनाने बैठूं, तो विचार कर लीजिए जिनके भीतर ये 14 बुराई है वो लोग जीवित ही मरे, किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देना, किसी के प्रति दुर्भावना रखना, कोई अतिथि घर में आए तो ठुकरा दे, पर हम तो महाराज और यहां पंजाब में अपने अपने जिनके लोगों के यहां जाते हैं, और ये घर तो खैर कहना ही क्या, जब कोई आवे बड़े सहरसा करके मिलना, तो पुराने घर में जब हम तो वहां ज्यादा गए, नए घर में तो गए नहीं, पर पुराने घर में जब जाते थे तो माँ श्यामली आई सब मिलते, इतनी मन में प्रसन्न होकर के मिलती, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सदे, लोग तो हमें बहुत मिलते हैं पर ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो हमको खींच करके वहां से ना बुलाए, बहुत मुश्किल है मिलना। बड़े बड़े लोग मिलते हैं जो करोड़ों अरबों लगे लगाए बैठे हैं, पर बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई किसी को बुलाना ये उसका प्रेम ही बुला सकता है,
और कुछ नहीं बुला सकता। इसलिए हम अपने जीवन में उस मां की भावांजलि के रूप में अपने जीवन में प्रेम जरूर लेके जाना। आपने फूल चढ़ाया, कुछ दिया किया, वो सब ठीक है, आपके लौकिक व्यवहार में है, आप आए हैं भाई, उन्होंने दिया है तो आप लोग आए, पर नहीं, अंतिम सत्य यही है, अपने आप के हमारे साथ में यदि कुछ जाएगा तो वो केवल प्रेम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। नहीं तो भैया अलेक्जेंडर भी गया तो खाली हाथ गया, सबने कह दिया 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, बोले 14 दिन लगेंगे पहुंचने में, बोले कैसे भी तो पहुंचा दो, बोले नहीं पहुंच सकते, बोले आधा राज्य दे दूंगा, बोले आधा नहीं पूरा दे देना, फिर भी नहीं पहुंच सकते, तो बोले एक काम कर लेना, मेरे ताबूत में से 2 छेद करके हाथ बाहर निकाल देना। क्यों? बोले तुम्हारी संस्कृति तो ये नहीं है, बोले कम से कम दुनिया के लोग तो ये देख सके कि मैं भी जब गया था तो खाली हाथ गया था, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं। इसलिए भैया ये अंतिम सत्य है, इसलिए इस अंतिम सत्य को हमें अपने जीवन तक उतारना है। इसलिए भावांजलि के रूप में हम अपने जीवन में अपनी मां को, हम भी अपने भाव के द्वारा उनको यहां पर भावांजलि प्रस्तुत करें और ये मंगल कामना करें। राजीव जी जो उस मां की जीवित स्तुतियों को महाराज आज उनको विदाई के रूप में स्तुतिकरण कर रहे हैं, राजीव जी को भगवान की कृपा बनी रहे और मां को भी स्वर्ग नहीं, हम तो ये भाव रखे मां भगवान के चरणों में प्रिया प्रीतम के पास रहे। स्वर्ग शब्द का प्रयोग मैं आपसे भी कहता हूं राजीव जी, उनकी फोटुओं से स्वर्ग शब्द हटा देना। हाँ मैं आपको कहता हूं स्वर्ग नहीं लिखना, और आप लोग भी जितने सुन रहे हैं, अपने बुजुर्ग लोग जो भी जाए वो स्वर्ग नहीं लिखना, अपने बुजुर्गों के लिए उनके लिए बैकुंठवासी लिखना, उनके लिए निकुंजवासी लिखना, स्वर्ग शब्द हटा दीजिए, स्वर्ग नर्क यही है, वहां नहीं है कहीं, निकुंजवासी। मेरे भैया हम भी अपनी माँ के को भावांजलि यहाँ प्रस्तुत करने के लिए वृंदावन से पधारे, उनको भावांजलि प्रस्तुत करें और राजीव जी इनके परिवार को वो सामर्थ्य दे इस दुख की घड़ी में और भगवान की कृपा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ वाणी विराम दें। ओम शांति शांति शांति। शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, उनके साथ बिताया गया हर पल मेरी यादों में बसा है और उनकी लाडली होने की वजह से मैंने दुनिया को अलग नजरिए से देखना सीखा, बिल्कुल उस मीठे की तरह जिसका उनको बहुत शौक था। बड़ी मामा की बातें भी मीठी थी, मुझे याद है कि उन्हें दीदी का कितना शौक था कि हम रहे, पर मुझे यकीन है कि वो जहां भी हैं खुश हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। मुझे यकीन है ये कि यहाँ पर आया हर एक इंसान की जिंदगी को बड़ी मामा ने किसी ना किसी रूप में छुआ होगा। अंत में मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर में हर जन्म में ऐसी ही बड़ी मम्मा दी। मैं उनकी छोटी पुत्री अपने समस्त परिवार की तरफ से यहाँ पर आए हर एक इंसान को हमारी उस दुख की घड़ी में शामिल होने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। भाई बहनों, बहुत दुख की घड़ी में आज हम भावांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पूज्य माता जी को, श्रीमती शांता गुप्ता जी को। आचार्य जी ने माँ के भाव व्यक्त किए हैं। माँ तो एक ऐसी परमात्मा ने देन दी है इंसान को जिसका कोई स्थानीय नहीं है, जिसका कोई
पैरेलल किसी तरह का नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस जो सबसे ऊपर सेवा का यूनिवर्सल मिशन एग्जाम लेती है, वहां पे एक प्रश्न किया गया एक कैंडिडेट से। उसको कहा गया कि मान लीजिए 7 दिन आपको कहा जाए कि आप अपने सिर को नीचा करके रोटी खाते रहो, आपको परोसी जाए और उसके बाद में 7 दिन के बाद में आपसे पूछा जाए कि किस दिन आपकी मां ने आपको खाना परोसा था, तो ये प्रश्न बड़ा टेढ़ा था, मुश्किल था जवाब देने के लिए। तो वो जो कैंडिडेट था उसने कहा, मंगलवार के दिन मैं कह सकता हूं मेरी मां ने मेरे खाना परोसा है। वो कैसे हुआ? जवाब दिया कि भाई एक दिन था जब मेरे को थाली पूरी परोसी गई, किसी भी दिन मेरे को थाली परोसी नहीं हुई। सो मां एक ऐसी मां है, बच्चों को छुट्टी होती है स्कूल में कॉलेज में या जहां सर्विस करते हैं, पतिदेव को भी छुट्टी होती है, एक मां है जिसको कभी छुट्टी नहीं होती, उसका काम छुट्टी के दिन बढ़ जाता है। और एक वो उसकी अवस्था थी। महाराज अकबर ने जवाब दिया, मेरे को दुख है, सब मेरे बादशाह मेरे कहते हैं, महाराज कहते हैं, मेरे को ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं, आज मेरे को अप्पू मामी कहने वाली एक मेरी माँ ही थी वो जो चली गई। मां के संस्कार कोई नहीं दे सकता, एक माँ ही है। बच्चा जाता है, पिता भेजते हैं कारोबार के सिलसिले में, रात को देरी होती है तो माँ बार बार उठ के देखती है, रात देखती है आ रहा है नहीं आ रहा, क्या हो, देरी क्यों हो रही है। जब आता है तो पिता जी उससे पास हिसाब लेना शुरू कर देते हैं, आज उससे भुगतान हो गया नहीं हो गया, कारोबार की बातें करते हैं। तो माँ को सबसे बड़ी जल्दी होती है, बेटे तुमने कुछ खाया पिया नहीं, खाया पिया नहीं। एक माँ ही है जिसके दिल में ऐसा दर्द है जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसी हमारी माता जी थे शांता गुप्ता जी, जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार मेरे भाई राजीव गुप्ता जी को दिए, इतने धर्मपरायण, इतनी सामाजिक, इतनी सेवा, इतने दान वीर ये शख्सियत थी, मैं कह नहीं सकता। परिवार ने इतना नाम कमाया है, आज उनकी प्रशंसा जो हो रही है ये हकीकत में मैं समझता हूं, हकीकत में एक एक शब्द जो है ना वो उनके लिए बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहूंगा उनके लिए शब्दों का जो शब्द प्रयोग हम कर रहे हैं वो संकुचित हैं, हमारे पास इतने शब्द भी नहीं है कि उनकी प्रशंसा कर सकें। आज उनके जाने से समूह परिवार को, समूह जितने हमारे परिवार के अलावा मित्र संबंधी हैं सबको बहुत ही दुख हुआ है। मैं समझता हूँ वो चले गए हैं, एक अच्छे संस्कार छोड़ के गए हैं, ये परिवार उनका अनुसरण कर रहा है और आने वाले समय में और ऐसे ही चलता रहेगा। माता जी के जो आदर्श दिए गए हैं वो आदर्शों से परिवार चलता रहेगा, परिवार पे प्रभु कृपा बनी रहेगी। माता जी को वैकुंठ निवास तो होने ही है क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, उनके काम ऐसे थे। जिस परिवार से माता जी आई, जिस परिवार से उनका जन्म हुआ, जिस परिवार से इस परिवार को उन्होंने सींचा, मैं समझता हूं परिवार के धन्य है। उस परिवार के बारे में भी शब्द नहीं है। आज इस मौके पे विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, उद्योगजनक, व्यापार से प्रोफेशनल्स,
सभी वर्ग से आज यहाँ लोग आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज माता जी को भगवानी देने के लिए यहाँ पे निकाला है, बहुत धन्यवाद है उनका परिवार की तरफ से। बैंस साहब होके गए हैं, बारकुन अशु जी होके गए हैं, उनका विशेष आभार प्रकट करता हूँ। विभिन्न संस्थाओं से पूज्य माता जी के बारे में शो प्रस्ताव आए हैं, मैं एक एक प्रस्ताव को तो शायद समय के अभाव होते हुए नहीं पढ़ सकूंगा, लेकिन उनका उल्लेख करना जरूर करूंगा। देवी देवी जैन मेमोरियल कॉलेज फॉर वुमेन, जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन, श्री नंद कुमार जी जो प्रधान जैन जो प्रधान है डीडी जैन कॉलेज के और संस्था जैन संस्थाओं के, उन्होंने विशेष तौर पे संवेदना प्रकट की है, उनका आभार है। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन से डॉक्टर महेश लुधियानवी, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा है, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उनके अलावा श्री हिंदू उत्थान परिषद रजिस्टर्ड, राष्ट्र धर्म जिसका उद्देश्य देश के लिए जीना सीखें, हमारे श्री विनोद जैन जी आज खुद भी बैठे हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। विनोद जी वैसे ही राजीव जी के बहुत ही परम मित्र हैं और एक उनके मार्गदर्शक भी हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। इनके अलावा श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड, उनकी तरफ से श्री के सेठ, श्री सुभाष दुग्गल, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। थापर ब्रादरी और शिव मंदिर प्रधान श्री टीटू थापर जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। इनके अलावा श्री संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी से और श्री खुराना जी जो पैशन हैं, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है, जो ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी आया है। शॉपकीपर एसोसिएशन बाबरगढ़ लुधियाना, श्री राजेश गुप्ता जो अध्यक्ष हैं बाबरी गली शॉपकीपर एसोसिएशन के, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। सिल्वर समाज सेवा सोसाइटी रजिस्टर्ड नजदीक जंदर बाईपास लुधियाना, इनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव श्री अनिल नैयर के द्वारा आया है, उनका भी धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी ट्रेड सेल गोपाल प्रकोष्ठ लुधियाना, उनकी तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री राजेश गुप्ता जी का पुनः धन्यवाद है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन रजिस्टर, इनकी तरफ से शोक प्रस्ताव है। लुधियाना आर्थिया एसोसिएशन जिसका हेड ऑफिस मंडी केसर लुधियाना, मंडी केसर लुधियाना इनका पुराना निवास स्थान है, जहाँ पे जिंदगी का बहुत एक लंबा अरसा इस परिवार ने वहाँ पे बिताया है, वहां से आज लुधियाना आर्थिया एसोसिएशन से एक शोक प्रस्ताव आया है, इनका भी धन्यवाद है। गीतांजलि गेडिस क्लब लुधियाना की तरफ से जो मिसेज नीना जैन है उनके पदाधिकारी हैं, उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। लुधियाना आरती एसोसिएशन श्री कृष्ण थापर प्रधान जो है उनकी तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है। श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड से शोक प्रस्ताव आया है, मैं इनका भी आभारी हूँ। श्री जगदीश बजाज जी ने जो हमेशा ही मैंने देखा है इस ऐसी दुखी घड़ी में संवेदना प्रकट करते हैं। इनके अलावा मैं श्री प्रकाश गौशाला लुधियाना की तरफ से, ज्वेलरी एसोसिएशन लुधियाना की तरफ से श्री नाम सिकरी जी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी तरफ से और विशेष करके मैं श्री तालाब मंदिर कमेटी की तरफ से मैं
इस शो की घड़ी में आपके साथ शामिल होता हूँ। राजीव जी हमारे महासचिव हैं और इनकी सेवाओं का मैं वर्णन नहीं कर सकता। कोई भी कार्यक्रम वहां पे होता है, बढ़ चढ़ के आगे करते हैं, धन से मन से हर तरह से यानी सेवा करते हैं। राजीव जी को इन माता जी के जो संस्कार मिले हैं, मैं समझता हूँ ये आगे भी सेवा करते रहेंगे। तलाब मंदिर इनका, तलाब मंदिर के सभी पदाधिकारी जो आज कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो सारे इस दुख में शामिल हैं, राजीव जी के साथ हैं। राजीव जी के को हम आश्वासन देते हैं कि हर घड़ी में हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है यहाँ आने के लिए। परिवार के लिए बहुत ये दुख की घड़ी है, लेकिन आने से आपकी संवेदना प्रकट करने से ये दुख कम हो जाता है। परिवार की तरफ से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबसे एक प्रार्थना है कि आपके लिए प्रसाद रूपी खाना तैयार है, वो आप ग्रहण करके जाएं। ये परिवार की तरफ से विशेष अनुरोध है। धन्यवाद। कहते हैं कि गरुड़ काल अवश्य सुनना चाहिए। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण कसल वलत। जो जावे भर पावे तो कर नरनिव उन किसके तुम बिन प्रभु बिन उन दूजा अस गुरु निज के। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण तर स्वामी अदारण का सौ प्राणियों में देश लगा
हरिनाम सदा संकीर्तन का नजारो आठ माता की जय हो गौ माता की जय हो शांति शांति शांति। परिवार की तरफ से प्रार्थना है कि भोजन का प्रसाद सभी ग्रहण करके जाए। ਹੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ
आ रही है
भाई देखिए Gracias.